पैंट खोल के दिखा रहा है, कोई अंगा उखाड़ के दिखा रहा है, कहीं चोट नहीं लगी है। हम तो नेता विरोधी दल से कहते हैं कि अगर आपको लाठी लगा है तो अपना पैजामा खोल के दिखाइए हम लोग को कि आपको चोट लगी है। ऐसे लग रहा था कि भूत खिला रहे हैं, जिस तरह से भूत खिला रहा था। जुलूस में थे, उन्होंने कहा उनकी मौत गिरने से हुई है। भगदड़ ऐसे ही मचा, अफवाह फैलाया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, कल बीजेपी के कई विधायकों पे, कई सांसदों पे लाठियां चटकी है। उसके बाद देखिए, बिहार विधानसभा में खूब जोरदार हंगामा हो रहा था। उस दौरान किस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठ कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद उनको मार्शल के द्वारा बाहर किया गया। बस सदन का जो कार्रवाई है वो भी स्थगित कर दिया गया। भाई वीरेंद्र बाहर आया और पूछ रहे हैं कि अगर प्रशासन के द्वारा डंडे बरसाए गए हैं तो पैंट खोल कर दिखाइए, पैजामा खोल करके दिखाइए, क्या कुछ करें भाई वीरेंद्र, पहले वो आप सुने। सवाल है कि जिस तरह से ये लोग प्रभोग करते हैं विधायकों भी को भी, नेता विरोधी दल के विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों को प्रभोग किया कि कुर्सी पटको, टेबल तोड़ो, और इसी का नतीजा है कि हल्ला हंगामा करना। और सत्ता पक्ष के लोग तो चुपचाप बैठे थे ताकि हम लोग किसी तरह का कोई काम न करें, और उन लोग इस तरह से अमर्यादित काम करता है कि सर्वसार हो गया विरोधी दल के नेता सहित सारे लोग। तरीके से भाई वीरेंद्र की तैयारी ये कह रहे हैं, ये विपक्ष के अंदर भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर भी पिटवा रहे हैं। नहीं, सवाल है कि बोलने का एक नियम कानून होता है, कार्य संचालन नियमावली के तहत ही आपने बोलिएगा कि जब मन करेगा तब आप बोलिएगा। तो अध्यक्ष अभी शुरुआत किए थे और प्रश्नकाल था, आपको तो जनता से के मुद्दों से कोई लेना देना है नहीं। सत्ता चली गई है, कैसे सत्ता में आए तो कोई पैंट खोल के दिखा रहा है, कोई अंगा उखाड़ के दिखा रहा है, कहीं चोट नहीं लगी है। हम तो नेता विरोधी दल से कहते हैं कि अगर आपको लाठी लगा है तो अपना पैजामा खोल के दिखाइए हम लोग को कि आपको चोट लगी है। आपत्ति है सदन। अरे भाई ना, ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि भूत खिला रहे हैं, जिस तरह से भूत खिला रहा था। अरे बीजेपी के, अरे बीजेपी के पास कोई मामला है क्या? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए ही वो ऐसा काम करता है, और जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता कैसे आवे और इस धूपा में हम कैसे दौड़ रहे हैं, इसको चिंता इस बात का है। नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हम तो मैं यही कहूंगा, मुकदमा चलाइए नीतीश जी पे। आप जाकर मलहम पट्टी कर दीजिए, मलहम पट्टी कर दीजिए आप उसके बहुत बड़ा हितैषी है, जाकर मलहम पट्टी दे दीजिए भाई महाराज। मलहम अरे बच्चा बच्चा की तरह बात करो ना। अरे तू बीजेपी का काम क्यों करता है? तुम अपना काम करो, पत्रकारिता का काम करो। अरे बीजेपी का काम मत किया करो ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्रभोग। प्रभोग किया है नेता विरोधी दल ने भीड़ को, और भगदड़ करवाया है, और उस जिसकी मौत हुई है उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान, और मृत आत्मा के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ये प्रभोग किया गया है नेता विरोधी दल के द्वारा, भगदड़ मचाया गया है, और कहीं पुलिस नहीं, कहीं दिखाई नहीं दी पुलिस। ये लोग भगदड़ में जाकर अफवाह फैलाना इनका काम है, अफवाह फैलाकर उस बेचारे की मौत हो गई है, और उनके गांव के लोग जो उस जुलूस में थे उन्होंने कहा कि उनकी मौत गिरने से हुई है। भगदड़ ऐसे ही मचा, अफवाह लोग फैलाया, और आपने वीडियो भी देखा होगा, और उनके परिवार का वीडियो भी देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों को खदरा जा रहा था वहाँ से कि आप लोग आते हैं फोटो और टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप इस परिवार के लिए क्या किए हैं? आपने हत्या करवाया है, इसलिए बीजेपी का काम है कि फूट डालो, राज करो, और हमको लगता है कि 302 का मुकदमा विजय सिन्हा जो नेता विरोधी दल है उस पर दर्ज होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, और कानून अपना काम करता है। अगर आप पुलिस पर, प्रशासन पर रोड़ा फेंकते हैं तो निश्चित रूप से वो चुम्मा नहीं लेगा, वो कानून का अपना सहारा लेगा। इसलिए उसने अपना सहारा लिया है, जो लोग भी ढेला फेंके हैं, रोड़ा फेंके हैं, अब पुलिस पर गलत ये किए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें, और इसी इसी आए सुनिए,
इन लोगों ने 5 दिन से हल्ला खड़ा, 13 तारीख को दिखा देंगे, 13 तारीख को दिखा देंगे, तो इसका तो प्री प्लान था। और जनता के मजिस्ट्रेट चकीर में इस बार बरका झूठा पानी, मैंने बीजेपी पकड़ा गया है। भाई बीरेंद्र कुशवाहा रहे थे कि क्या कुछ बोल रहे थे, उतना ही नहीं, साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि पैंट और पैजामा खोल करके दिखाई ना, क्या कुछ कर रहे थे भाई बीरेंद्र, वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।